नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई फ्लाइट से रिलेटेड। जी हां भाई, यूएई के अलावा दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन सभी से रिलेटेड हम फ्लाइट से रिलेटेड बात करेंगे। फ्लाइट चालू हो जाएगी तो भाई जाओगे कैसे आप? आपके पास पैसा है, आपके पास वीज़ा है, आपके पास टिकट है, आपके पास सब कुछ है, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ एकदम रेडी होकर तैयार बैठे हो, जाओगे कैसे? टीका कहाँ से लगवाओगे भाई? हम टीके से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। 6 शर्तें थी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे और किस तरह से क्या प्रोसेस, कौन से लोग अभी जा सकते हैं। 23 जून से आपको पता है फ्लाइटें ओपन हो चुकी हैं। 7 जुलाई का अभी क्या अपडेट आने वाला है, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको यूएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, बता दूँ यूएई ने आपको पता है पहले 7 जुलाई दी थी टाइम बढ़ा के, लेकिन कोविड की वजह से कम आंकड़े या फिर कुछ भी, एक डेमोक्रेसी कंट्री की होती है, कुछ भी रीज़न मान लो फ्लाइटें 23 जून से स्टार्ट कर दी। पहले तो ये अपडेट आ रहा था फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन घुस गई। आपको पता है कि सिर्फ कौन लोग जा सकते हैं, जिनके पास वैध रेजिडेंशियल वीजा यानी वर्क परमिट वीजा वाले ही लोग जा सकते हैं। अब आप सोचोगे यार वर्क परमिट वीजा किसके पास है भाई? किसी के पास भी नहीं है। 2020 मार्च से तो वर्क परमिट बंद है, 1.5 साल हो गए, अब वर्क परमिट तो निकले नहीं तो बंद है। और अगर हाँ वो हैं जो छुट्टी आए थे वो जा सकते हैं, बस उनके लिए है, तो ज्यादा खुश होने की मुझे नहीं लगता, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट का कोई चक्कर नहीं रहेगा। अभी हम बात कर लेंगे भाई, सिर्फ वेट वीजा वाले जा सकते हैं, विजिट वीजा वाला अभी सिस्टम ही क्लोज चल रहा है। हाँ उम्मीद है 7 जुलाई को जो गवर्नमेंट की वहां की वे का जो लॉकडाउन लगा हुआ था फ्लाइट पे, वो ओपन हो सकता है, तो उसमें विजिट वीजा वाले जा सकते हैं। अब सरकार ने 3 देशों के लिए और भी फ्लाइट ओपन की थी, इंडिया सहित में बता दूं 3 देशों पर रोक भी लगा दिया सरकार ने, सीरा, लाइबेरिया और नीबीबिया। ऐसे देश भाई हमें तो जरूरत भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं ऐसे देशों के नाम भी, कौन इन देशों के, कोई कोई जो हो सकता है आते होंगे दुबई में। तो मेन बात क्या है, मेन बात यह कि अभी ये लोग भी वो कैसे जाएंगे भाई, जो इंडिया का कोविशील्ड टीका था, आप सबको पता है कोवैक्सीन को तो वैसे ही ये लोग मान्यता नहीं दे रहे थे, कोविशील्ड जो टीका था उसको मान्यता दी जा रही थी, जी हाँ। लेकिन अभी 23 जून को जो फ्लाइटें ओपन हुई थी उनमें 4 टीकों का नाम लिख के डाल दिया भाई कि ये टीके लगवाने वालों को ये एंट्री देंगे, सेनोफार्मा, फाइजर, बायोटेक, स्पुतनिक वी, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्रोजोनिका, ये जो 4 टीके हैं ये वैलिड रहेंगे। अब इंडिया का कोविशील्ड टीका कहाँ गया भाई, अब कहाँ से लगवाओगे? स्पुतनिक टीका इंडिया में अवेलेबल है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन कितना का भाई? आटे में जितना नमक पड़ता है उतना ही अवेलेबल है, बाकी टीका कैसे लगवाएंगे? आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुबई कैसे पहुंचेंगे? आपके पास टीका कहाँ से आएगा? क्योंकि वे क्या जो गवर्नमेंट ने जो नई गाइडलाइन जारी की है कि भाई ये जो 4 टीके बताएं यही लगवाने वाले बंदों को हम एंट्री देंगे। कोविशील्ड का टीका तो इंडिया में अवेलेबल है और बहुत सारे लोगों ने तो वही लगा के रखा है क्योंकि उसको मान्यता मिल रही है, यूरोप देशों में भी मिल रही है। अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे भाई? तो स्पुतनिक टीका कोशिश करें लगवाने की, ऐसे नहीं मिल रहा है तो भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे दे के लगवाएं। ये अब स्पुतनिक कैसे भी ने मान्यता दी है भाई, जबकि इसको WHO ने मान्यता नहीं दी अभी तक। लेकिन देखिए ये देशों की एक डेमोक्रेसी पॉलिसी होती है, दबाव, समझ रहे दबाव कि हमारे देश की। अब रूस का, यूए का कॉन्टेक्ट, अंदरूनी संबंध अच्छे होंगे तो उन्होंने स्पुतनिक को मान्यता दे दी, कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी, ये इंडिया की है। और यूए को सबको पता ही है कि भाई इंडिया में 99% कोविशील्ड लोग लगा रहे हैं, तो फिर कैसे जा पाएंगे? 7 जुलाई को उम्मीद है कि ये विजिट वाला सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई ये थोड़ा सा सोचने का विषय है कि आप कैसे भी जाओगे। बस साथियों इसी टॉपिक पे हमें बात करनी थी कि भाई अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप भी कमेंट करिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उससे रिलेटेड। आप कौन सा टीका किस तरह से लगा के जाओगे? अब यही सरकार ने 4 टीके मान्यता दी है जिनमें कोई भी टीका फिलहाल अवेलेबल नहीं है। फाइजर की संभावना है, इंडिया के साथ कॉन्टैक्ट अभी चल रहा, आज की भी न्यूज़ थी, लेकिन वो कब आएगा भाई? जून, जुलाई, अगस्त तक संभावना है, ये समझ लो तो बहुत लंबा टाइम पड़ा है अभी तक। और बायोटेक, ये स्पुतनिक टीका है, ये भी इंडिया में बहुत कम अवेलेबल मात्रा में है। बाकी बस यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय